हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं, ऐसा क्या करें कि लड़कियां आपकी ओर अट्रैक्ट हो और बार बार आपकी ओर देखे। भाई कुछ तो होगा उन लड़कों में जिनकी ओर लड़कियां खिंची चली जाती हैं, उन्हें बार बार देखती हैं, हद से ज़्यादा उन पर लाइन मारती हैं। भाई कुछ तो होगा, तो इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं लव इन लाइव। भाई पहला पॉइंट आता है गुड लुकिंग दिखना। और भाई गुड लुकिंग दिखने से मतलब ये नहीं है सिर्फ अच्छे, अगर आप खूबसूरत हो तभी अच्छे दिख रहे हो। भाई आप कैसे भी हो ये डिपेंड नहीं करता। भाई गुड लुकिंग हर तरीके से इंसान बन जाता है। भाई जैसे कि आपके हेयर कटिंग बहुत अच्छे स्टाइल से होने चाहिए, और भाई आप जो कपड़े पहनते हो बहुत सिंपल यूनिक होने चाहिए, मतलब नए जमाने के भी होने चाहिए बट सिंपल वाले होने चाहिए। आपने देखा होगा कुछ लड़के पूरी की पूरी पैंट फटी हुई पहन रहे हैं, शर्ट के बटन खोले हुए हैं, गले में रुमाल डाल के, मतलब एकदम गुंडे वाला लुक है। भाई लड़कियां उन्हें देख कर ही भाग जाती हैं, कहीं यार ये मुझे मेरा मर्डर वर्डर करने तो नहीं आ रहा। भाई यही आपको देख के अलग करना है। आपको सिर्फ एक सिंपल जीन्स पहननी, जूते पहनने, और भाई एक शर्ट, प्यारी सी शर्ट पहन के बटन लगा के, और भाई कलाई में घड़ी बांध लो। भाई कोई भी लड़की आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। और भाई बाल का जो कट होना चाहिए नया स्टाइल का होना चाहिए। भाई आपके से चेहरे पे का सूट करता है ये, सैलून पे जाओ, वहाँ पे कट करवाओ, वो आपको खुद ही बता देंगे। तो भाई दूसरा जो आपका पॉइंट आता है वो आता है भाई आपकी बात करना। भाई आप कैसी बातें करते हो लड़कियों से, ये भी तो होना चाहिए। मान ली लड़की दूर पे खड़ी है, आपकी बातें सुन रही है, आप पता नहीं गुंडे टाइप की बातें कर रहे हो या कहीं आपकी बातें ऐसी तो नहीं है जो उसे जलन पैदा कराती हो। भाई बातें आपकी ऐसी होनी चाहिए, भाई आपका कोई दुश्मन भी है फिर भी आप उसकी तारीफ करो, क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि यार ये दूसरे की इतनी तारीफ कर रहा है मतलब ये बंदा अच्छा है, इसे सब पसंद करते हैं। और भाई अगर तुमने झगड़ा करा किसी से तो भाई वहीं पे दो चार लड़कियां तो भाग जाएंगी, यार ये बहुत झगड़ने वाला बंदा है, इससे बात ही नहीं करनी चाहिए। और अगर आप कॉलेज में हो या ऑफिस में हो या कहीं भी हो और वहाँ पे आपके बहुत सारे दोस्त बनते हैं ना, तो वहाँ पे लड़की पटाना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि लड़कियाँ दोस्त के जरिए बहुत अच्छे से पट जाती हैं। भाई अगर आपकी बहुत सारी दोस्त हैं और आप पूरे कॉलेज में अच्छे हो सबकी नज़रों में, तो लड़कियां भी आप पे मर मिटेंगी यार, क्योंकि उन्हें अच्छे से बात करने वाले और अच्छे करेक्टर के लड़के चाहिए, और वो आपके अंदर सारी खूबी है। भाई चाहे आप दिखावा कर रहे हो ये उन्हें मतलब नहीं है ना, उन्हें तो अच्छे लग रहे हो ना, और भाई आपका स्टाइल भी अलग है, तो कोई भी लड़की आपको मना नहीं करेगी। और भाई वो बार बार ही आपको फॉलो करेगी, आप पे लाइन भी मारेगी, आपको पाने की चाहत भी करेगी। तो भाई ये दोनों चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो भाई आप बहुत अच्छे से लड़की को पटा सकते हो। लेकिन भाई तीसरा पॉइंट जो आता है ना वो आता है सख्त लौंडा। भाई एक जो होता है चरचर की बातों में पिघल जाता है। मान लिया आपने, आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया, आप तुरंत हाँ बोल देते हो, भाई थोड़ा वेट करो, थोड़ा तड़पाओ, तब यार पता चलता है ना कि प्यार का मतलब। और भाई जितनी मुद्दत के साथ मतलब इतनी जितनी कोशिश के साथ अगर आपका प्यार आपको मिलता है ना, तो भाई वो लॉन्ग टाइम चलता है। और भाई अगर कोई चीज़ हमें आसानी से हासिल हो जाती है ना, तो भाई वो कुछ टाइम के लिए ही चलती है। तो भाई जब कोई आपको प्रपोज करे तो डायरेक्टली हाँ मत कहो, कुछ ऐसा बोल दो कि यार उसे भी बुरा ना लगे और आपका भी काम हो जाए, यार मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, मतलब ऐसा बोल दो, वैसे आप कॉलेज की सबसे अच्छी लड़की हो बट मैंने इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है, मुझे कुछ टाइम चाहिए। तो भाई ऐसे ही आप कुछ वर्ड का प्रयोग कर दो जिससे उससे भी बुरा ना लगे और आपका भी काम हो जाए। और भाई अगर आप किसी लड़की को चाहते हो और वो फिर भी आपसे नहीं बोल रही है, तो भाई आप धीरे धीरे उसे इम्प्रेस करो अपने लुक्स से, अपनी बातों से। अगर डायरेक्टली आप उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे तो भाई नहीं होगी। और भाई ये दो चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तो कोई भी लड़की आपसे पट जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी पसंद आ रही हो ना तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और भाई शेयर तो जरूर कर दो।